हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनू। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट बोकर एंड इट्स ऑल रेंजेस। तो आज का जो प्रोडक्ट है बोकर है, और उसकी जितनी भी स्ट्रेंथ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि बोकर हमारे पास कौन कौन सी स्ट्रेंथ में आता है। तो बोकर 10 है फर्स्ट, सेकेंड है बोकर 20, बोकर 40, बोकर 40 ER, बोकर A एंड बोकर F। बोकर की जितनी भी रेंजेस है इनको हम एक तरह से कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स में यूज़ करते हैं। बोकर में आपका जो मेन सॉल्ट है प्रोपेनोलोल हाइड्रोक्लोराइड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, जो क्या करता है कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर में यूज़ होता है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे बोकर 10 से। बोकर 10 में जो आपकी कॉम्पोजिशन है प्रोपेनोलोल हाइड्रोक्लोराइड 10 mg है। इसकी पैकिंग 20x10 ब्लिस्टर पैकिंग एंड MRP 12.80 पर स्ट्रिप है। नेक्स्ट है बोकर 20, जिसकी कॉम्पोजिशन है प्रोपेनोलोल हाइड्रोक्लोराइड 20 mg एंड इट्स पैकिंग इज 20x10 ब्लिस्टर एंड MRP इज 25 पर स्ट्रिप। नेक्स्ट है बोकर 40, जिसकी कॉम्पोजिशन है प्रोपेनोलोल हाइड्रोक्लोराइड 40 mg, पैकिंग है 20x10 ब्लिस्टर एंड इट्स MRP इज 30 पर स्ट्रिप। लास्ट है आपका बोकर 40 ER, जिसकी कॉम्पोजिशन है प्रोपेनोलोल हाइड्रोक्लोराइड 40 mg एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट, पैकिंग है 20x10 ब्लिस्टर एंड MRP है 40 पर स्ट्रिप। तो जो हमारे पास बोकर 10, 20, 40 एंड 40 ER है, इसमें जो हमारा सॉल्ट है प्रोपेनोलोल हाइड्रोक्लोराइड है। प्रोपेनोलोल हाइड्रोक्लोराइड आपकी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, जो एक तरह से आपके कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स में यूज़ होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या होती है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आर अ क्लास ऑफ ड्रग दैट आर यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर। मतलब जिनको हम हाई ब्लड प्रेशर में यूज़ करते हैं उनको हम एक तरह से एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग बोलते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव मोस्टली जितनी भी ड्रग्स होती है वो क्या करती है, एक तरह से स्ट्रोक एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन जैसी कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करती है। तो नॉर्मली जो हाइपरटेंशन होता है वो क्या रहता है कि हाइपरटेंशन जब आपका ब्लड प्रेशर राइज हो जाता है, या फिर ऐसी कंडीशन जब क्या करता है आपकी आर्टरीज़ की वॉल पे जो ब्लड का फोर्स, ब्लड की फोर्स होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिस वजह से हार्ट पे स्ट्रेस होता है और एक तरह से ब्लड प्रेशर राइज हो जाता है। जो नॉर्मल रेंज रहती है ब्लड प्रेशर की वो आपकी 80-120 mmHg होनी चाहिए। इसमें आपकी एक कंडीशन आती है कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जो हाइपरटेंशन के केस में क्या होता है, जब आपका सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब जब आपका ब्लड प्रेशर 80 से अबव एंड 120 से अबव हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो जो नॉर्मल रेंज रहनी चाहिए 80 से 120 mmHg रहनी चाहिए, जिसमें आपका डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो 80 है एंड 120 आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इट्स क्लास ऑफ ड्रग। प्रोपेनोलोल बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ ड्रग कॉल्ड बीटा ब्लॉकर। तो जो आपकी प्रोपेनोलोल है बीटा ब्लॉकर है, या हम बोल सकते हैं बीटा रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट है। इसकी बीटा रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट प्रॉपर्टी होने की वजह से इसको एक तरह से हार्ट रिदम कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं, चेस्ट पेन में यूज़ करते हैं, माइग्रेन से प्रिवेंट करता है, या फिर एक तरह से ट्रीमर को भी रिड्यूस करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इट्स इंडिकेशन, कि कौन कौन सी इंडिकेशन में हम प्रोपेनोलोल हाइड्रोक्लोराइड को यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट इंडिकेशन है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि एक तरफ से आपका ब्लड का जो फोर्स है अगेंस्ट आर्टरी और वॉल्स वो हाई हो जाता है। तो जब आपका डायस्टोलिक और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रेज हो जाता है तो उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन बोलते हैं, 80 या 120 से अबव हो जाता है। तो उस केस में भी हम प्रोपेनोलोल हाइड्रोक्लोराइड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हार्ट अटैक के केस में, जिसको हम मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन बोलते हैं। अब मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन क्या होता है कि जब आपकी ब्लॉकेज हो जाती है हार्ट की मसल्स में, क्योंकि प्रॉपरली ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, हार्ट की मसल्स को प्रॉपरली ब्लड नहीं मिल पाता है, जिस वजह से ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाती है और हार्ट मसल्स जो मसल्स टिश्यू है वो डैमेज हो जाते हैं। तो उस केस में भी हम प्रोपेनोलोल हाइड्रोक्लोराइड यूज़ कर सकते हैं। थर्ड इंडिकेशन है चेस्ट पेन, जिसको हम एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस एक ऐसी कंडीशन है जो एक तरह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की वजह से होती है, क्योंकि हमारी हार्ट में जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें ब्लॉकेज हो जाती है, जिस वजह से जो ब्लड है प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पाता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है ब्लड फ्लो, और एक तरह से हार्ट पे प्रेशर होता है, प्रेशर पड़ जाता है और ऑक्सीजन डिमांड कम होने की वजह से इस्केमिक कंडीशन कॉज कर देता है। तो उस कंडीशन में हमें चेस्ट पेन या फिर एंजाइना पेक्टोरिस जैसी प्रॉब्लम रहती है।
फोर्थ जो हमारी इंडिकेशन है एबनॉर्मल हार्ट रिदम, जिसको हम आर्ट्रियल फिब्रिलेशन भी बोलते हैं। आर्ट्रियल फिब्रिलेशन का मतलब है जब इरेगुलर या रैपिड हार्ट रेट रहती है ड्यू टू पुअर ब्लड फ्लो, उसकी वजह से आपकी जो हार्ट रेट है वो एबनॉर्मल हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ जो इंडिकेशन है माइग्रेन, माइग्रेन के केस या फिर वन साइड जो हेडेक पेन रहता है तो उस केस में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। प्रोपेनोलोल हाइड्रोक्लोराइड किस मैकेनिज्म से हमारी बॉडी में एक्ट करता है? प्रोपेनोलोल हाइड्रोक्लोराइड बीटा सिलेक्टिव बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। इसका जो रोल रहता है बीटा रिसेप्टर्स पर रहता है, बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके अपने एक्शन को प्रोड्यूस करते हैं। अब जैसे कि बीटा रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं, हमारी बॉडी में बीटा रिसेप्टर तीन तरह के होते हैं, बीटा वन, बीटा टू एंड बीटा थ्री। बीटा जो प्रोपेनोलोल हाइड्रोक्लोराइड है उनका जो रोल रहता है बीटा वन रिसेप्टर्स पे रहता है। बीटा वन रिसेप्टर्स आपके हार्ट, किडनी एंड फैटी सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं। तो हम ब्लड प्रेशर राइज होने का एक रीज़न ये रहता है कि जब आपकी किडनी रेनिन सिक्रीट करती है तो रेनिन क्या करता है कि आगे एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन वन, फिर एंजियोटेंसिन टू और एक तरह से एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन को इंक्रीज कर देता है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है और ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट होता है और ब्लड प्रेशर राइज होता है। तो प्रोपेनोलोल क्या करेगी कि आपकी रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के को इनिबिट कर देगी। जब रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनिबिट हो जाएगा तो एक तरह से एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन स्टॉप हो जाएगी। एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन स्टॉप होगी तो आपका जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन है वो इनिबिट हो जाएगा, वैसो डायलेशन हो जाएगा, ब्लड वैसल डायलेट हो जाएगी, जो ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो रहा था ब्लड फ्लो प्रॉपरली आपके हार्ट तक पहुंचेगा और एक तरह से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर देगा। तो जो प्रोपेनोलोल हाइड्रोक्लोराइड है बीटा वन रिसेप्टर को ब्लॉक करके आपके रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को इनिबिट कर देता है, जिस वजह से वैसो डायलेशन हो जाती है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इट्स फार्माकोकाइनेटिक कि आपकी जो प्रोपेनोलोल हाइड्रोक्लोराइड है इसका जो कम्प्लीटली एब्जॉर्प्शन है वो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में होता है और इमीडिएटली इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो लीवर में होता है और विद इन 30 मिनट में इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन आ जाता है और मैक्सिमम इफेक्ट विद इन 60 एंड 90 मिनट में आ जाता है आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। और इसकी जो बायोलॉजिकल हाफ लाइफ है वो अप्रॉक्सीमेटली 4 आवर्स की है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इट्स डोजेस। फॉर हाई ब्लड प्रेशर स्टार्टिंग डोज इज यूजुअली 80 mg ट्वाइस अ डे। अगर किसी का ब्लड प्रेशर फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो इसकी जो मैक्सिमम डोजिंग रहती है हाइपरटेंशन के केस में 160 mg ट्वाइस अ डे दे सकते हैं। फॉर चेस्ट पेन या एंजाइना पेक्टोरिस के केस में द यूजुअल डोज इज 40 mg 2 to 3 टाइम्स अ डे। एंड फॉर अरिदमिया फॉर इरेगुलर हार्ट बीट द यूजुअल डोज इज 10 mg टू 40 mg 3 to 4 टाइम्स अ डे। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है बोकर एफ एंड बोकर ए। बोकर एफ जिसमें हमारी कॉम्पोजिशन है फ्लोनेरिजिन डाईहाइड्रोक्लोराइड 10 mg एंड प्रोपेनोलोल हाइड्रोक्लोराइड एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट 40 mg। तो इसकी जो पैकिंग है 10x10 ब्लिस्टर की पैकिंग है एंड इट्स MRP इज 95 पर स्ट्रिप। तो बोकर एफ आपका कॉम्बिनेशन है फ्लोनेरिजिन डाईहाइड्रोक्लोराइड विद प्रोपेनोलोल हाइड्रोक्लोराइड, जिसमें फ्लोनेरिजिन डाईहाइड्रोक्लोराइड 10 mg है एंड प्रोपेनोलोल हाइड्रोक्लोराइड 40 mg है। इसकी इंडिकेशन किस में हम इसको यूज़ करते हैं? फ्लोनेरिजिन विद प्रोपेनोलोल कॉम्बिनेशन को हम माइग्रेन के केस में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि प्रोपेनोलोल और फ्लोनेरिजिन किस मैकेनिज्म से हमारी बॉडी में एक्ट करती है। प्रोपेनोलोल एंड फ्लोनेरिजिन दोनों कॉम्बिनेशन को हम माइग्रेन के केस में यूज करते हैं। प्रोपेनोलोल आपकी बीटा ब्लॉकर है, बीटा वन एड्रिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर है जो क्या करेगा बीटा वन रिसेप्टर को ब्लॉक करके अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगी। एंड फ्लोनेरिजिन आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। तो दोनों बीटा ब्लॉकर एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करेंगे, जो पेन वेव्स है या पेन सिग्नल्स है जो हमारे ब्रेन में मूव करते हैं, इन्फ्लेमेशन और पेन जिनकी वजह से होती है, तो उन पेन सिग्नल्स को ये क्या कर देते हैं, इनिबिट कर देते हैं। तो इसकी जो डोजिंग रहती है हमारी फ्लोनेरिजिन और प्रोपेनोलोल की वो वंस अ डे की डोजिंग रहती है और इसको माइग्रेन के केस में हम यूज़ करते हैं। लास्ट जो हमारा प्रोडक्ट है बोकर ए। बोकर ए की जो कॉम्पोजिशन है एमिट्रिप्टालिन हाइड्रोक्लोराइड 10 mg एंड प्रोपेनोलोल हाइड्रोक्लोराइड एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट 40 mg।
एंड इट्स पैकिंग इज 10x10 ब्लिस्टर एंड इट्स MRP इज 50 पर स्ट्रिप। इसकी जो इंडिकेशन है सेम माइग्रेन के केस में यूज करते हैं। बोकर ए में जो हमारा कॉम्बिनेशन है मिट्रिप्टलाइन विद प्रोपेनोलोल है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि एमिट्रिप्टलिन और प्रोपेनोलोल हमारे किस मैकेनिज्म से बॉडी में एक्ट करती है। एमिट्रिप्टलिन आपकी ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है जो क्या करेगी एक तरह से पेन सिग्नल की जो मूवमेंट्स होती है उसको स्टॉप कर देगी ब्रेन में जाने से। एंड दूसरा जो प्रोपेनोलोल है आपकी बीटा ब्लॉकर है ये क्या करेगी हमारी ब्लड वेसल को डायलेट करेगी और प्रॉपरली एक तरह से ब्लड फ्लो के जो रिस्ट्रिक्शन था उसको स्टॉप कर देगी और ब्लड फ्लो को ईजिली ब्रेन तक पहुँचाएगी।